अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलते हैं न्यूज हेडलाइंस की तरफ। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत की कामयाबी की दास्तानों और सरगर्मियों को उजागर करने के लिए 1 अरब रुपए इश्तियारी मुहिम के लिए मंजूर कर लिए। वजारत इत्तिलात व नशरियात के 8 साल करदा समरी पर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने ECC के इजलास की सरबराही की। इजलास में बताया गया कि वजीर आजम ने इश्तहारात के लिए इजाफी 1 अरब रुपए मख्तस करने की समरी मंजूर कर दी है, ताकि तैयार शुदा इश्तहारी मुहिम चलाने में आने वाली खामियों को दूर करने के साथ साथ मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी की जाए। पाकिस्तान के मारूफ फोक सिंगर शौकत अली की हालत तश्वीशनाक हो गई। लाहौर जराए के मुताबिक गुलकार शौकत अली जिगर के अर्जी के 12 रोज से CMH लाहौर में जेर इलाज हैं। शौकत अली के बेटे इमरान शौकत ने एक बयान में मदाओं से सेहत याबी के लिए दुआ करने की अपील की और कहा है कि डॉक्टरों के मुताबिक इनके वालिद की हालत तश्वीशनाक है। इमरान शौकत का कहना था कि इनके वालिद 12 रोज से CMH के ECU में जेरे इलाज हैं। पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 के बजाय दोबारा 60 साल हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाफ अहमान ने सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने ऑर्डिनेंस मरतब करके मंजूरी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 साल किया था। सूबाई काबीना पहले ही सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 साल करने के फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर में 22 जून के बाद सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मजबूत केसेस की शरह 10% रही। पाकिस्तान में कोरोना की अदाद और शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,468 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 67 हलाकतें हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से 1,36,60,00,000 डॉलर की मालियत की इमदादी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। माली इमदाद से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को फरोग मिलेगा और माशराती शोबों में मदद मिलेगी। 12,80,00,000 डॉलर की ग्रांट समेत 1,36,60,00,000 डॉलर में 6 मंसूबे शामिल हैं, जिनमें माशराती तहफ़्फ़ुज़, तबाही और आबो हवा के खतरे से मुतालिक इंतजाम, ज़राअत, खुराक की हिफाजत, ह्यूमन डेवलपमेंट और गवर्नेंस के शोबे में बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत के इकदाम की सपोर्ट के लिए दस्तखत किए गए। दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस बॉलीवुड के फनकारों समेत कई खिलाड़ी इस वबा में मुब्तला होकर करंटीना में चले गए हैं, जिनमें मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट आमिर खान भी शामिल हैं। मगर शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर ये है कि साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। पाकिस्तान में सोने की कीमतें गिरने का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 214 रुपए कमी के बाद 51,263 रुपए हो गई। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है। ये थी अब तक की फ्रीडम हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़।